भाइयों बहनों, षोडश संस्कारों में 10 प्रधान हैं। उनमें से 5 ऐसे हैं जिन्हें बिना पंडित पुरोहितों की सहायता के महिलाएं बहुत ही अच्छी तरह घरेलू उत्सवों के रूप में खुद ही संपन्न कर सकती हैं। पहला संस्कार है पुंसवन संस्कार। गर्भावस्था के 3रे महीने होने वाले पुंसवन संस्कार को मनाते हुए परिवार के लोगों को यह समझाया जा सकता है कि नवजात शिशु को सुसंस्कारी बनाने के लिए गर्भिणी की शारीरिक मानसिक स्थिति किस प्रकार संतोषजनक रखी जा सकती हैं और उसके लिए घर के वातावरण में पारस्परिक व्यवहार में मधुरता विनम्रता हो। दूसरा संस्कार है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार में बच्चे का नाम रखने के साथ साथ उसके जीवन का उद्देश्य निर्धारित करने और उसके अनुरूप घर को एक सांस्कृतिक पाठशाला के रूप में बदलने के लिए उस परिवार में किस प्रकार के परिवर्तन अभीष्ट हैं यह सुझाया जा सकता है। तीसरा संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार यों होता तो बच्चे का है और उसमें प्रधानतया बच्चे के आहार विहार के संबंध में बरती जाने योग्य सतर्कताओं की जानकारी दी जाती है, पर वस्तुतः सारे घर के आहार विहार की चर्चा की गुंजाइश से उसमें रहती है। हम प्रायः अखाद्य खाते और अपेय पीते हैं, उससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य नष्ट होता है। इस प्रसंग में अनिति उपार्जन से पेट भरने के क्या दुष्परिणाम होते हैं, इस तत्व को भी प्रतिपादित करने का अवसर प्राप्त होता है। चौथा संस्कार है मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार में बच्चे का मानसिक विकास करने की प्रेरणा मुख्य है। जन्मजात पशु संस्कारों के प्रतीक आरंभिक बाल काटकर उसके स्थान पर संस्कृति की प्रतीक शिखा स्थापित की जाती है। मस्तिष्क पर आदर्शवादी मान्यताओं का अधिकार सिद्ध करने वाली यह धर्म ध्वजा फहराई जाती है। मुंडन के समय पर समझाया जा सकता है कि बच्चे का ही नहीं सारे परिवार का मानसिक विकास आवश्यक है और उस महान उपलब्धि के लिए किस प्रकार का चिंतन और कर्तव्य होना चाहिए। और पांचवा संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार में विद्या की आवश्यकता, उपयोगिता एवं सही दिशा के संबंध में घर के हर सदस्य को जानकारी मिलती है और यह बताया जाता है कि ज्ञान संपदा के अभिवर्धन में परिवार के हर सदस्य का पूरा उत्साह और अनवरत प्रयत्न बना रहना चाहिए। निरोगीता और समृद्धि की तरह ही विद्या संपदा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और इसके लिए क्या कैसा क्या जाना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह जानकारी इस संस्कार का अंग है। यों पांचों संस्कार छोटे बालकों के मनाए जाते हैं, पर वस्तुतः बच्चे तो निमित हैं, वे तो बेचारे कुछ समझते तक नहीं। आयोजन से वास्तविक शिक्षण पूरे परिवार का तथा उपस्थित संबंधी पड़ोसियों का होता है। इन 5 संस्कारों के साथ ही जन्मदिन मनाने की परंपरा अपनाई जानी चाहिए। यह तो अस्पष्ट तथ्य है, संस्कार संवर्धन में समर्थ जन्मदिन समारोह का स्वरूप बर्थडे के नकलची आयोजनों से भिन्न तथा धार्मिकता से युक्त होना चाहिए। व्यक्ति निर्माण की दृष्टि से जन्मदिन मनाने का बहुत महत्व है। मनुष्य जन्म कितना बहुमूल्य है, किस उद्देश्य के लिए मिला है और उस पुण्य आयोजन की पूर्ति के लिए चिंतन और कर्तव्य की दिशा क्या होनी चाहिए, इस तत्व को अनेकों उदाहरण देकर बताया सिखाया जा सकता है।
और जिसका जन्मदिन है उसे प्रेरणा दी जा सकती है कि वह अपना सुदुर्लभ जीवन सार्थक करने के लिए अपनी वर्तमान गतिविधियों में क्या हेर फेर कर सकता है। यह व्यक्ति निर्माण की शिक्षा है जिससे सभी उपस्थित लोग भी अपने लिए प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। आयोजनों को प्रभावशाली बनाने के फेर में उन्हें खर्चीला भड़कीला बना डालने पर उसकी प्रभावोत्पादकता नष्ट हो जाती है। अतः संस्कार एवं जन्मदिन समारोह में भावनात्मक उभार पर ही ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उसके लिए सादे गंभीरतापूर्ण भावोल्लास भरे आयोजन ही उचित हैं, जिनमें औपचारिकता के स्थान पर भावनात्मक सामीप्य को महत्व दिया जाए। ये सभी संस्कार आयोजन ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं ही मिलजुल कर मना सकती हैं। हवन कर्मकांड आदि के मंत्र एवं विधान सभी सरल हैं जिन्हें शिक्षित महिलाएं कुछ ही दिनों में प्रयत्न से बहुत अच्छी तरह सीख सकती हैं। ये आयोजन कम खर्च में बड़े ही आकर्षक ढंग से मनाए जा सकते हैं। संस्कार समारोह तथा धार्मिक वातावरण द्वारा उदात्त नैतिक चेतना की प्रतिष्ठा सरलता से की जा सकती है। अतः इन्हें प्रत्येक परिवार में अनिवार्य स्थान दिया जाना चाहिए। इनके नवजीवन द्वारा न केवल व्यक्ति चित्त अपितु समूह चित्त का भी परिष्कार परिशोधन संभव है। इस दिशा में बढ़ चढ़ कर प्रयत्न करना चाहिए। संस्कारों के नाम पर प्रदर्शन कम हो तथा सुदर्शन अथवा शुभ शिक्षण का भाव मूल रूप से हो अधिक होना अनिवार्य है। अन्यथा ऋषियों की पावन परंपरा को ग्रहण लग जाएगा, यह एक जीवन निर्माण की विधा बने, ऐसा प्रयास करना चाहिए। जय गुरुदेव।